नमस्कार। उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान पर स्वराज एक्सप्रेस से खास पेशकश कुर्सीनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। उत्तर प्रदेश का चुनावी दंगल जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी पारा चढ़ता चला जा रहा है, जो स्वाभाविक भी है क्योंकि बात सत्ता की है। इस बार सरकार किसकी बनेगी, इसे लेकर अभी से कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन सभी दल जिस तरह से पूरी तरह से ताकत झोंक रहे हैं, जोरदार वॉर और पलटवार हो रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि चुनावी घमासान काफी दिलचस्प होने वाला है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनावी रण को लेकर स्वराज एक्सप्रेस रोजाना एक विधानसभा क्षेत्र की आपको रिपोर्ट दे रहा है और आज हम आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटों में एक मुरादाबाद नगर के सियासी समीकरणों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए देर ना करते हैं, चलते हैं कुर्सीनामा के आज के खास सफर पर। मुरादाबाद नगर सीट अनारक्षित सीट है। यहाँ पर वैश्य समाज का दबदबा रहा है, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। दरअसल यहाँ अब तक 17 चुनावों में 10 बार वैश्य समाज का उम्मीदवार विधायक बना है। अगर दलों के दबदबे की बात करें तो मुरादाबाद नगर के हुए चुनावी मुकाबले में 4 बार कांग्रेस, 2 बार निर्दलीय, 1 बार RPI, 1 बार भारतीय जनसंघ, 1 बार जनता पार्टी, 2 बार जनता दल, 4 बार BJP और 2 बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीत हासिल कर विधानसभा में पहुंचे हैं। खैर, इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा, समीकरण पिछली बार जैसे हैं या फिर कुछ अलग, जनता के बीच कौन कौन ज्यादा सक्रिय हैं, इसे लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मुरादाबाद नगर सीट का मुकाबला इस बार मतदाता किसका करेंगे भला, जिसे जाता है उसकी जीत की राह एकदम आसान हो जाती है। मुरादाबाद नगर सीट पर कुल मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या लगभग 4 लाख है। इनमें पुरुष मतदाता 2,20,000 के करीब और महिला मतदाता 1,75,000 से ज्यादा है। मुरादाबाद में पीतल उद्योग है, लिहाजा रोजगार के लिए लोगों को दिक्कत नहीं होती। इस निर्वाचन क्षेत्र के ज्यादातर लोग स्वरोजगार में लगे हुए हैं, अधिकतर अपना व्यापार कर रहे हैं। क्षेत्र की सड़कें भी चुस्त दुरुस्त हैं। हाँ, यह मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट की लंबे समय से मांग हो रही है जो अब तक अधूरी है। बहरहाल इन सब के बीच मुरादाबाद नगर का मुकाबला कौन सा दल अपने नाम करता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। मुरादाबाद से सलमान खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। मुरादाबाद नगर विधानसभा सीट पर मुकाबला कैसा होगा, कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है, जनता क्या रुख है, चलिए पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं हमारे मुरादाबाद संवाददाता सलमान खान से। वहीं सीट के कुछ और भी दिलचस्प पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे स्वराज एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के संपादक राघवेंद्र त्रिपाठी जी से, जो हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ेंगे। सबसे पहले सलमान आपका ही रुख करूंगी, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मुरादाबाद सीट विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, क्या कुछ इस सीट की स्थिति है, क्या कुछ यहाँ का मतदाता कहता है, क्या कुछ इस सीट का इतिहास? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, मुरादाबाद विधानसभा 1951 से 2017 तक BJP का दबदबा रहा है। पिछले अगर 5 बार की बात करें तो पिछले 5 बार में से 3 बार BJP का विधायक यहां से सीट अपने नाम कर चुके हैं और 2 बार समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं। अब हाल ही में इस सीट से BJP विधायक रितेश गुप्ता का दबदबा है और ये सीट इसमें हिंदू मुस्लिम बहुमूल्य दोनों में सम्मानित क्षेत्र की वजह से इसमें अभी भी कुछ कहना उचित नहीं होगा क्योंकि जनता का रुख अभी क्लियर साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा। और पिछली की अगर हम बात करें तो 17 बार में से 10 बार वैश्विक समाज के लोगों ने यहाँ जीत दर्ज की है। जी राघवेंद्र जी, आपका रुख, जी बिल्कुल सलमान, राघवेंद्र जी आपका रुख करूंगी। यहाँ देखा जा रहा है, क्या लगता है इस बार BJP 2017 के नतीजे दोहरा पाएगी यहाँ? जी
देखिए भारतीय जनता पार्टी की सोच है और लक्ष्य है कि बीजेपी पिछले 2017 से अधिक सीटें जीते हैं, उसके लिए लगातार काम भी कर रही है। संगठन स्तर पर भी काम हो रहा है, सरकार के स्तर पर भी काम हो रहा है। संगठन जहां बूथ स्तर तक अपनी पैठ बना रहा है, वहीं सरकार अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रही है। बात हम मुरादाबाद की कर रहे हैं तो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है और पीतल उद्योग यहाँ का पूरी दुनिया में मशहूर है। और योगी आदित्यनाथ सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मुरादाबाद के पीतल उद्योग को भी रखा है। अब यह वहाँ की जनता को तय करना है क्या भारतीय जनता पार्टी उनके उम्मीदों पर खरी उतरी, जो वादे किए गए थे क्या वहाँ के स्थानीय विधायक और सरकार ने पूरे किए। जो प्रथम दृष्टिया देखने में लगता है उसमें सरकार ने वादा किया था कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट दिलाएंगे, क्या व्यापारियों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान और मार्केट वहाँ मिला, क्योंकि वहाँ पे उत्पादन तो बहुत है लेकिन जो बिक्री है वह कम है। क्योंकि जब से स्टील के बर्तन आए हैं, क्राकरी के बर्तन आए हैं, तो पीतल उद्योग को धीरे धीरे अपने मार्केट को लेकर एक संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से पीतल के दाम आसमान छू रहे हैं, उसको लेकर भी सरकार से लगातार उनकी मांग रहती है कि इसको बैट से अलग किया जाए। अब देखना है कि बैट और जीएसटी का कितना असर व्यापारियों में मुरादाबाद के, या तो मतदान का वक्त बताएगा। लेकिन सरकार की कोशिश है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कि मुरादाबाद, रामपुर, संभल, मुजफ्फरनगर जितने भी जिले हैं, सब जगहों पे थोड़ी अपनी पैठ मजबूत की जाए, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते कुछ न कुछ असर जरूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे पड़ा है और उसको उसकी भरपाई करने की भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है। मुरादाबाद में मिश्रित आबादी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। अगर सांप्रदायिक कार्ड खेला गया, कोई भी दल गलती से सांप्रदायिक कार्ड खेलता है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलने वाला है। जी राघवेंद्र जी, लेकिन यहाँ यदि जाति समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र इसे माना जाता है, यानी यहाँ पर 55 और 45 का एक रेशो देखा गया है कि 55% मुस्लिम बाहुल्य है यहाँ पर और हिंदू है तो उसमें भी सबसे ज्यादा वैश्य का यहाँ पर दबदबा देखा जाता है। तो क्या कुछ इसका चुनाव पर असर? जी बिल्कुल, मुस्लिम आबादी सर्वाधिक है वहाँ पे और अगर मुस्लिम एकजुट रहता है तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोशिश हमेशा रही है कि मुकाबले को त्रिकोणी या चतुष्कोणी बनाया जाए। उसमें मुस्लिम प्रत्याशी अगर एक रहता है तो उसकी विजय हो जाती है, अगर सपा, बसपा और कांग्रेस में से दो या तीन मुस्लिम प्रत्याशी हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल जाता है। अब देखना यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह का बड़ा दबदबा रह चुका है, वहाँ तक भी उनकी हनक रही है। अब जाट मतदाता किधर जाता है यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ हैं। अगर जाट मतदाता और मुस्लिम मतदाता एक साथ जुटता है तो कहीं कहीं समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी होगा। अगर विकास की बात करें, विकास के मुद्दे पर चुनाव होता है तो मुस्लिम, हमारे देश का मुस्लिम भी विकास पसंद है, वह जाति और मजहब से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, जैसा कि कई बार दावे भी किए गए कि मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। अब भारतीय जनता पार्टी को एक विश्वास दिलाना होगा कि वह उनके लिए भी काम कर रही है। लगातार मोदी योगी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब मतदान तय करेगा कि वाकई में क्या भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का विश्वास जीत पाई है या व्यापारियों का विश्वास जीत करके एक मुफ्त वोट अपने पक्ष में कर पाती है या नहीं कर पाती है, तो मतदान तय करेगा। लेकिन सभी दलों के जो महारथी हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर रुक किए हुए हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास का बहुत मसला नहीं रहता है। वहाँ पे सड़कें भी हैं, गंगा है और जमुना का जो दुआबा क्षेत्र है, फसलें भी अच्छी होती हैं, गन्ना की पैदावार अच्छी होती है, चीनी मिलों की बहुतायत है। तो किसान आंदोलन का असर कितना भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करेगा, सारा दारोमदार इस पर भी टिका हुआ है। अब देखना यह कि विपक्ष इस मुद्दे को कितना जनता के बीच ले जा पाता है और भारतीय जनता पार्टी यह सीट छीन पाता है। जी बिल्कुल सलमान, यदि मुरादाबाद की सीट के स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो कौन कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिन पर जिनका असर चुनाव में देखा जाएगा, क्योंकि वहाँ की जनता किन ऐसे मुद्दों से परेशान है, किस तरह का विकास से वहाँ को की जरूरत है, किस तरह की स्थिति वहाँ देखी जा रही है? जनता की बात करूँ तो सबसे बड़ी दिक्कत पीतल की भट्टी से निकलने वाला धुआं है, जिससे मुरादाबाद में मुरादाबाद को बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। अभी भी सरकार के द्वारा पिछले दिनों में गाइडलाइन जारी की गई थी जिससे सीएनजी से गैस की बत्तियां चलाई जाएंगी, मगर उस पर अभी भी कोई प्रशासन द्वारा कोई अमल नहीं हुआ। वो अभी भी कोयले से भट्टी चल रही है, जिस वजह से धुआं बराबर हो रहा है, प्रदूषण काफी मुरादाबाद में रहता है, क्योंकि उद्योग नगरी की वजह से प्रदूषण होने की वजह से बीमारियों से मुरादाबाद झेलता रहता है। मुरादाबाद में सबसे बड़ी दिक्कत मुरादाबाद शहर में जाम की है, जाम की स्थिति मुरादाबाद शहर की बहुत खराब है, रोड जो है वो थोड़ी नहीं हो पा रहे, और दूसरी चीज मुरादाबाद में नगर निगम की लापरवाही बहुत देखने को मिलती है, जिससे जनता में काफी आक्रोश है। नगर निगम द्वारा जनता में काफी आक्रोश देखा गया, ना तो नाली की सफाई होती है, ना सड़कें दुरुस्त होती है। अभी
ये सेक्टर मुरादाबाद विधानसभा में काफी असर दिखाएगा। जी धन्यवाद पहलवान तमाम जानकारी के लिए। राघवेंद्र जी आप बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल इस खास पेशकश में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर वन औषधि एवं टॉनिक। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली। कुर्सीनामा में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं, राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं तमाम चर्चा के लिए। राघवेंद्र जी, मुरादाबाद सीट की यदि बात की जाए खासतौर पर, तो कितना कुछ बदलाव यहां देखा जाएगा? क्या कुछ वर्तमान विधायक यहां पर जो है बीजेपी से विधायक रितेश गुप्ता, उनका क्या कुछ कार्यकाल रहा है, कितना चुनौतीपूर्ण उनके लिए ये चुनाव हो जाएगा? देखिए मुरादाबाद व्यापारी प्रतिष्ठान है और वहाँ पे व्यापारी समुदाय का जो दबदबा बहुत अच्छा है, और कोई भी पार्टी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कहीं कहीं व्यापारी हो, चाहे हिंदू या मुसलमान हो, व्यापारी बरसे ही लोग चुन के आते हैं। तो व्यापारी नगरी होने नाते थोड़ी सी दिक्कत वहाँ है, जाम की समस्या जो हमारे संवाददाता ने बताया था, जाम की समस्या, पुरानी आबादी है, घनी आबादी बसी हुई है, सड़कें चौड़ी करने लिए जगह नहीं मिल रही है। हालांकि योगी सरकार ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है अभी उस पर पूरा काम भी नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पे 4 फ्लाईओवर बनने हैं, और अभी व्यापारियों से बातचीत करके उनसे अपील की गई थी कि अपने आक्रमण को खुद हटा लें, क्योंकि अब चुनाव का वक्त, कोई सरकार किसी का आक्रमण नहीं हटाने वाली है, क्योंकि किसी का आक्रमण हटता तो वोट का नुकसान होता है। तो भारतीय जनता पार्टी कोशिश यही है कि दोबारा इस सीट पर कब्जा किया जाए, लेकिन वही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों चाहते हैं कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाए। अब इन विपक्षी दलों का दायित्व तो है कि जो सरकार की नाकामियां हैं उसे किस स्तर तक जनता के बीच ले जाते हैं। अगर वोटों का बिखराव नहीं हुआ, मुस्लिम वोट नहीं बटा, तो भारतीय जनता पार्टी को दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मुरादाबाद में जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, तो अक्सर ये लोग मुस्लिम प्रत्याशी की तलाश करते हैं, क्योंकि उसका असर बाकी सीटों पर भी पड़ता है। मुरादाबाद, रामपुर, संभल, मुजफ्फरनगर, इस सब जिले हैं, यहाँ पे मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है। सहारनपुर तक पूरी आबादी। राघवेंद्र जी रोकना चाहूंगी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष डीपी यादव जुड़ गए हैं। डीपी यादव जी बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में आपका। हेलो जी, डीपी यादव जी बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में आपका। जी जी धन्यवाद आपका। जी डीपी यादव जी, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम दल सक्रिय हो गए हैं, क्या कुछ आपकी पार्टी की ओर से सक्रियता? समाजवादी पार्टी पहले से सक्रिय है जी। हाँ, समाजवादी पार्टी पहले से सक्रिय है। समाजवादी पार्टी बहुत स्तर पर बहुत काम कर रही है और इस बार समाजवादी पार्टी की जीत निश्चित है। जी डीपी जी, इस बार के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी से आपका मुकाबला? हमारा किसी पार्टी से मुकाबला नहीं है, जनता ने तय कर लिया, इस बार केवल अकेले जीतेंगे, समाजवादी पार्टी जीतेगी। किसी पार्टी ने कोई काम नहीं किया और खास तौर से लोग भाजपा से त्रस्त हैं। भाजपा ने इतनी महंगाई बढ़ा दी है, बेरोजगारी बढ़ा दी है और कोई सुनवाई जनता की नहीं हो रही। जी डीपी जी, लेकिन पिछली बार भी आपने यही कहा था कि सपा जीतेगी लेकिन बीजेपी जीत गई थी। हर बार जनता धोखा नहीं खाती है, जनता एक बार धोखा खा गई, अब जनता इनको बीजेपी वालों को समझ चुकी है कि झूठ बोलते हैं। जी यादव जी, यहाँ देखा जाए तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुँच रहे हैं? हमारे पास मुद्दे हैं जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के सीएम रहते हुए अखिलेश यादव ने काम किए हैं, बच्चों को लैपटॉप दिए हैं, रोजगार दिया है, सड़कें बनवाए हैं, पुल बनवाए हैं, किसानों के गन्ने का रेट बढ़ाया है, किसानों का खाद का रेट कम किया है। हमारे पास मुद्दा है कि आज बिजली के रेट दुगने हो गए हैं, पेट्रोल डीजल के रेट दुगने हो गए हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष असलम जी भी जुड़ गए हैं। असलम जी बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में आपका। असलम जी इस बार के, जी असलम जी, विधानसभा चुनाव 2022 का आगाज तो हो चुका है, क्या कुछ तैयारियां कांग्रेस की ओर से? हमारी तैयारियां पूरी हैं, पूरी तरीके से हम तैयार हैं। अभी हमारे यहाँ
प्रियंका जी का आदेश पर एक रथ यात्रा निकली है, उसमें आज जो प्रियंका जी ने हमारी घोषणाएं की है उसका 40% महिलाओं को देने का, बिजली बिल हाफ करने का, किसानों का कर्जा पूरा माफ करने का, हमने सैकड़ों करोड़ रुपया जो है अभी माफ किया है हमने किसानों का पिछले जब हमारी सरकार थी केंद्र में, और अब आंदोलन की रणनीति हम तैयार कर रहे हैं कि ये जो असलम जी किस पार्टी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं? हमारी टक्कर सीधी बीजेपी से है और किसी से नहीं, सीधी बीजेपी से है, किसी से नहीं है जी। लेकिन असलम जी देखा जाए तो कहीं ना कहीं धरातल पे कांग्रेस नजर नहीं आ रही है, जितनी सक्रियता बसपा की देखी जाती है उतनी सक्रियता कहीं कांग्रेस की नजर नहीं आई धरातल पर। नहीं नहीं कैसे नहीं आ रही साहब, तमाम संगठन आप ये देखिए कि जितने कार्यक्रम हो रहे हैं प्रियंका जी का, जहाँ जहाँ रैली हो रही है, जहाँ जहाँ जो कार्यक्रम है हमारे, वो बिल्कुल हम सड़क पे हैं, उतरे हुए हैं इस सरकार के खिलाफ, और इस सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठा रहा है तो वो सिर्फ कांग्रेस उठा रही है, कोई दूसरा नहीं उठा रहा जी। क्या लगता है कि आपके लिए कौन सी पार्टी चुनौतीपूर्ण हो जाती है, सपा या बीजेपी? क्या मतलब, मैं समझा नहीं पूरा जी। असलम जी कौन सी पार्टी यहाँ पर आपके लिए चुनौतीपूर्ण है, सपा की बात कर ली जाए या बीजेपी की? नहीं बीजेपी से सीधा सीधा चुनाव है हमारा जी, क्योंकि सांप्रदायिक पार्टी है बीजेपी और उससे हमारा चुनाव है, सांप्रदायिकता खत्म करेंगे, महंगाई का जो आलम है वो आप सब लोगों के साथ है, आपके सामने है, जो स्थिति इन्होंने पैदा कर दी है सिवाय सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने के अलावा इनके पास कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं है, उसको हम पर्दाफाश करेंगे और प्रियंका जी का चेहरा होगा हमारा। प्रियंका जी हमारे मैदान में आई गई है, जितना गरीबों के लिए, हमदर्दों के लिए, और जितना वो हमदर्दी कर रही है, जहाँ जहाँ उनको जरूरत पड़ रही है वहाँ पहुँच रही है जी। ऐसे कोरोना काल से आज तक राहुल जी और प्रियंका जी ही बीच में लड़ते आए हैं, और चाहे वो केंद्रीय मुद्दे हो, राष्ट्रीय मुद्दे हो, राष्ट्रीय मुद्दों में चाहे NRC हो, धारा 370 हो, जिसमें भी है कांग्रेस की लड़ाई है। बिल्कुल हमारे साथ असलम जी यहाँ पर DP यादव जी भी जुड़े हैं सपा से, तो उनसे जान लेते हैं क्या कुछ आपके अहम मुद्दे यहाँ पर हो जाएंगे, किस पार्टी से आपका सीधा चुनाव। जी किसी तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क टूट गया है उनसे। खुर्शीद जी आप ही बताइए, क्या सीधी चुनौती यानी आप बीजेपी को ही दे रहे हैं, सपा पार्टी कहीं ना कहीं आपके लिए चुनौतीपूर्ण नहीं होती है? सीधी चुनौती बीजेपी को बिल्कुल। कौन से मुद्दे लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं आप? हमने बताया ना, आज घोषणाएं प्रियंका जी ने की है और वो 100% शुरू होंगी। एक घोषणा ऐसी है जो इलेक्शन से पहले हम घोषित कर देंगे जी, लेकिन यानी यहाँ साफ तौर पर ये कहा जाए कि जो फ्री पॉलिटिक्स कांग्रेस करने जा रही है, कि जिस तरह से देखा जा रहा है यहाँ पर 40% टिकट महिलाओं को देने की प्रियंका गांधी ने घोषणा की है, या यहाँ पर युवाओं को जो देखा गया है महिलाओं को अट्रैक्ट करने के लिए लैपटॉप बांटे जा रहे हैं, तमाम जो फ्री पॉलिटिक्स अट्रैक्ट करना, नहीं नहीं गलत है ये बात, फ्री पॉलिटिक्स की क्लियरेंस है, बिल्कुल क्लियरेंस है कि महिलाओं के जो भागीदारी है, क्योंकि हमारे हमारे यहाँ जो महिलाओं का दर्द है, जहाँ जहाँ महिलाओं पे उत्पीड़न हुआ है वहाँ वहाँ हमारी नेता प्रियंका जी पहुंची है, राहुल जी पहुंचे हैं, तो हमारा दर्द है महिलाओं के लिए, तो महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं और 40% कोटा दिया है उसके लिए। हमें जो हमारी बायोडाटा की डेट थी वो 15 तारीख प्रियंका जी ने कर दी है कि महिलाओं से आप बायोडाटा लीजिए। खुर्शीद जी लेकिन यदि साफ तौर पर सीधे मुरादाबाद सीट की यदि बात की जाए तो यहाँ क्या कुछ भूमिका में कांग्रेस है? कांग्रेस यहाँ से जीतेगी सीटें, 6 में से 4-5 सीटें हमारी फाइट में है इस टाइम आज तक जी। बिल्कुल हमारे साथ राघवेंद्र जी भी संपादक जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से। राघवेंद्र जी क्या कुछ आपका सवाल? देखिए क्या कांग्रेस पार्टी संगठन स्तर पे, जिला स्तर पे अपने संगठन को खड़ा कर पाई है, सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस सामने यही है। अगर कांग्रेस यह काम कर लेती तो निश्चित तौर पर प्रियंका जो काम कर रही है, जो सिंपैथी लोगों का बटोर रही है, उससे फायदा होने वाला है। अब क्या हमारे साथी बता पाएंगे कांग्रेस के साथी कि क्या संगठन जो उनका है बूथ स्तर तक खड़ा हो चुका है या नहीं? जी 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 मैं बताऊंगा, हमारी अभी कार्यकारिणी घोषित हुई है जिले की, और 56 न्याय पंचायत है, 56 की 56 न्याय पंचायत हमारी पूर्ण हो गई है, 663 हमारी ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हमारी 663 में से 500 हो गई हैं, 163 रह गई हैं जो अभी 2-3 दिन के अंदर ही पूरी हो जाएंगी। इसके अलावा हम बूथ स्तर पर कमेटी बना रहे हैं, जो ग्राम पंचायत है वो अपने बूथ स्तर पर कमेटी बनाएगी। लेकिन
लेकिन सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता पार्टी के आपके हरेंद्र मलिक पंकज मलिक आज कांग्रेस छोड़ के सपा में चले गए, इस पर क्या कहेंगे? नहीं नहीं, वो पार्टी छोड़ना न छोड़ना, अभी भाजपा के बड़े बड़े नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं सब लोग, ये तो चलती रहती है, आत्महित भी होता है, पार्टी हित नहीं होता, आत्महित भी होता है। वो हमारे बड़े नेता थे, उनको पार्टी ने सर्वोच्च पद पे भी नवाजा था और हमेशा पार्टी जो है उनको बढ़ा रही थी। अब लेकिन उनका क्या कारण रहे, कौन सी चीज ऐसी रही कि जिसकी वजह से वो चले गए, अब नहीं कहा जा सकता, ये तो उनकी अपनी धारणा है। लेकिन यह कि हम संगठन बहुत मजबूत कर रहे हैं, प्रियंका जी उसके नेतृत्व में संगठन, राजीव कुमार लल्लू जी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अब संगठन कोई फर्जी नहीं है। हमने जो न्याय पंचायत बनाई है, हमने जो ग्राम पंचायतें बनाई है, उनके मोबाइल नंबर दिए हैं, उनके ग्राम का दिया है, उनसे डायरेक्ट जी। खुर्शीद जी यानी साफ तौर पर यहाँ पर पूरी तरीके से राघवेंद्र जी जीत का दावा कर रहे हैं। धन्यवाद खुर्शीद जी आपका तमाम चर्चा के लिए। जी राघवेंद्र जी, देखा जाए हमने दोनों ही पार्टी के नेताओं को सुना, किस तरह से उनके विचार सुने हमने। मुरादाबाद सीट की यदि बात की जाए तो दोनों ही नेताओं ने अपने अपने विचार रखे, क्या कुछ लगता है आपको यहाँ पर? देखिए चुनौती बड़ी है विपक्ष के सामने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही उसका सारा दारोमदार है। सरकार के कामकाज और संगठन की सक्रियता दो मुद्दे होते हैं जिसपे चुनाव जीता जाता है। और योगी हमको लगता है कि जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों का दो राउंड दौरा तो कर ही चुके हैं, और उनका जो संगठन है बूथ स्तर तक है, एक एक बूथ पे पन्ना प्रमुख है उनके, तो चुनौती बड़ी है विपक्ष को तय करना कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेर पाते हैं। अभी हमारे कांग्रेस साथी ने कहा कि भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है। राघवेंद्र जी देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौती एक हो जाती है, क्योंकि पूर्वांचल से लेकर यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक देखा जाए तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौतियां यहाँ सामने देखी जाती है। 15 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को ले लिया जाए, या लखीमपुर खीरी घटना को ले लिया जाए, या उससे पहले हाथरस की घटना को ले लिया जाए, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के पास सत्ता पक्ष को घेरने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए बिल्कुल मुद्दे बहुत हैं, लेकिन विपक्ष कहीं कहीं गलती कर जाता है। आज हमारे कांग्रेस साथी ने कहा कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है, और बीजेपी इसी तरह के पिच पर खेलना जानती है, क्योंकि तुष्टिकरण का आरोप हमेशा विपक्ष पर लगाती रही है और अपने सांप्रदायिक पार्टी होने पर कभी सफाई भी नहीं देती है। तो कहीं कहीं अगर गलती विपक्ष हो जाएगा, पिछले लोकसभा चुनाव में मायावती ने सहारनपुर में कह दिया था, मुसलमानों से वोट की अपील कर दी थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसे मुद्दा बना करके पूरे चुनाव को पलट दिया था, जबकि सपा बसपा का गठबंधन था, कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होने वाला है, लेकिन वो नुकसान नहीं फायदे में तब्दील हो गया। तो कुल मिला के मुद्दों पे अगर सियासत होगी तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होगी, लेकिन अगर सांप्रदायिक पिच पे भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश विपक्ष करेगा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसमें कामयाब हो जाएगी, और वह जानती है कि किसी तरह से चुनाव हिंदू मुस्लिम का हो जाए। लेकिन पूरे चुनाव में यदि आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो उसकी सक्रियता को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए आम आदमी पार्टी अपने पार्टी एजेंडे को लेकर जनता के सामने है, वह दिल्ली के मॉडल को जनता के बीच में बढ़ा रही है, किसानों का कर्ज माफी और फ्री बिजली देने का वादा कर रही है, जिस तरह से वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक चलाए जा रहे हैं उस तरह के क्लिनिक चलाने की बात कर रही है, जो वहाँ के बेसिक स्कूल हैं जिस तरह के उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया गया है उस तरह की बात कर रही है, तो वो अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो स्वभाव रहा है जाति खांचे में बटने का, अब उसमें कितना आम आदमी पार्टी फिट बैठती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश सभी दल कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाकर अपनी सरकार बनाए, अब देखना होगा कि बाजी किसके हाथ जाती है ये तो वक्त बताएगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद राघवेंद्र जी तमाम चर्चा के लिए। इसी के साथ कुर्सीनामा में आज के लिए इतना ही, कल उत्तर प्रदेश के किसी और विधानसभा क्षेत्र आपको लेकर चलेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।